9 बजे की 9 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। शपथ लेने के बाद पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचकर कार्यभार संभाला। उन्होंने सबसे पहले किसान सम्मान निधि की फाइल पर साइन किए। मणिपुर के कोटलैंड के पास उग्रवादियों ने मणिपुर सीएम एन बीरेन सिंह की एडवांस आरोपी टीम पर हमला किया। जब हमला हुआ तब मुख्यमंत्री काफिले में नहीं। दिल्ली जल संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 12 जून तक टाल दी गई है। कोर्ट ने याचिका में खामियों को दूर नहीं करने के लिए दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। सोने चांदी की कीमतों में 10 जून को गिरावट दर्ज हुई। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,008 रुपए सस्ता हो गया है। वहीं 1 किलो चांदी में 1,992 रुपए घट चुके हैं। एक्ट्रेस नूर मालविका दास की लाश उनके अपार्टमेंट में सड़ी गली हालत में मिली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्ट्रेस ने पंखे से लटककर सुसाइड किया है। बालाघाट जिले में मानेगांव लौट रहे सराफा व्यापारी को बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी और सोने चांदी के जेवरात से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। इंदौर में फार्म हाउस पर देर रात चल रही रेव पार्टी में पुलिस ने छापा मारा, जिसमें 100 से ज्यादा युवक युवतियां नशा करते मिले। वहां से 4 किलो गांजा भी बरामद किया गया है। मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। यहां 10 जुलाई को मतदान और 13 जुलाई को काउंटिंग होगी। बता दें कि कांग्रेस कमलेश शाह के इस्तीफे के बाद अमरवाड़ा सीट खाली हुई थी। छत्तीसगढ़ के बालोदा बाजार में सनातनी समुदाय के प्रदर्शन के दौरान जमकर हंगामा हुआ। लोगों ने कलेक्ट्रेट में गाड़ियों में तोड़फोड़ की और ऑफिस में भी आग लगा दी। जानकारी के मुताबिक 15 मई की रात धार्मिक चिन्ह जेत खाम को क्षतिग्रस्त किया गया था। आज की खबरों में इतना ही। ऐसी और भी जानकारियों के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए और पढ़ते रहिए नेशन मिरर।